दोस्तों इस कुश्ती में देखने ये जो तगड़ा वाला पहलवान है अपने शरीर पर कैसे पेट्रोल छिड़क कर लाता है, बिल्कुल सारी जनता देखकर डर जाती है। लेकिन इसकी शैतानियाँ देखकर सब जनता कहने लगती है कि बाबा लड्डी इसके शरीर में आग लगा दो। आखिर में फिर वही होता है, बाबा लड्डी इसकी मारते मारते लहर निकाल देता है। दोस्तों कुश्ती पूरी देखना। ये नवाबगंज की जनता है, ये किसी के साथ गलत नहीं होने देती। अगर आपकी जनता के भाई, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आपकी जनता की तरह नहीं मारी हो जितने हम हैं, जितनी इज्जत हमारी जनता करती है, नवाबगंज वाले करते हैं, इतनी इज्जत आपकी भी है। अपनी नाकामयाबी को जनता के ऊपर ठोक रहे हो कि जनता ने गद्दारी करवाई है, बेईमानी करवा। बताओ अगर किसी ने बेईमानी करा तो बताओ भाई साहब। 3-4 साल से मैं भी लगातार आ रहा हूँ, ये संतोष भैया जी के साथ नवाबगंज वालों का नंबर है। यहाँ बेईमानी वाला कोई काम नहीं, पहलवान जी ईमानदारी की खातिर ईमानदारी का काम करते हैं। सबसे ज्यादा बेईमान तो तू है, तेरी तो गलती नहीं हमारे आगे बोलने की। पता क्यों? हमारे रिहाई में सारे पापा जेल में है, पता कर लेना बेटा, सारे जेल में है और तेरे को भी जेल चढ़ा। चुने पहलवान जी आप शादी ले जाते उत्तर प्रदेश के सीएम है, पापा योगी दिखते बात है, जेल की बात करता है ना, जेल में तो मैं भी जाऊंगा। बड़ी नाफी में सभा में संतोष भैया जी बैठे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, जेल में मैं भी जाऊंगा लेकिन तुझे मार के जाऊंगा। हिंदू धर्म से नफरत किए कुरान नहीं कहता और भारत में मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती और चाहे इंसान जिंदा होती है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। संजीव पहलवान हरियाणा और इन्हीं के मुकाबले में है बाबा लड्डी पहलवान नवाबगंज, संतोष जी का छोटा भाई। कौन मेरा मजबूर किया मेरा मजबूर साढ़े 5 बजे शुरू हो रही, 4:45 पे Oh, my God.
तुम ना समझोगे भाभी विजय कुश्ती।